मुअज्जज नाज़रीन, तुलू गुरूब नुजूमी मालूम करने का तरीका इस वीडियो में बताया गया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अल इमाम अश्शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तुलू गुरूब नुजूमी मालूम करने का तरीका एक बैत में तहरीर फरमाया है। आप फरमाते हैं कि ज़िल्ले मैल जुज बज़िल्ले अर्ज़े ज़न जेब तादीलुन नहार आमद बदस्त, यानी जिस जुज यानी तारीख का तुलू व गुरूब नुजूमी मालूम करना हो उसके मैले शम्स को अर्ज़े बल्द से ज़रब देंगे, जो जवाब आए उसका साइन इनवर्स ले लेंगे और उसको चार से ज़रब देकर उसमें छः जमा या तफरीक करके तुलू व गुरूब नुजूमी मालूम किया जा सकता है। इस वीडियो में दावत इस्लामी की मजलस तौकीद के एक अजीम टीचर अल्लामा सज्जाद अहमद अत्तारी ने इस फार्मूले की मुकम्मल वजाहत फरमाई है, जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस बैत में तहरीर फरमाया है। आइए इस फार्मूले को मुकम्मल हल करने का तरीका मोहतरमुल मकाम उस्तादिल मुकर्रम अल्लामा सज्जाद अहमद अत्तारी साहेब आपकी जुबान से इसकी मुकम्मल वजाहत सुनते और देखते हैं। साल का टैन यही बन रहा है, मैले शम्स है, हमने यहाँ पर पहले टैन लिखा, 15 दर्जे 32 दकीके और 8 सानिये, ये देखिए यही बना। मैल का जो टैन है वो 0 दर्जा 16 दकीके 40 शरीय 7 सानिये, और अर्ज़े बलद का जो टैन है वो ये आया। अब हमने अर्ज़े बलद का भी इसी तरह से टैन अगर लेके चेक करते हैं तो बरेली अर्ज़े बलद है 28 दर्जे और 23 दकीके, ये कल की हमारी क्लास के अंदर भी गुजरा था का जिक्र ज़िमन में। इसका ये अर्ज़े बलद ये देखिए 0 दर्जा 32 दकीके 25 शरिया 16 सानिये हुआ। अब इनकी हासिले ज़र्ब, इनको आपस में ज़र्ब किया तो ये 0 दर्जा 9 दकीका और 0.74 सानिया हुआ। अब हमने इनका आपस में ज़र्ब कर दिया, 0 दर्जा 32 दकीका और 25.16 सानिया और ज़र्ब 0 दर्जा 16 दकीके और 40.77 सानिया, ये देखिए तो ये बना 0 दर्जा 9 दकीका 0.74 सानिये हुई। अब इसका साइन इन वर्स लिया हमने, जहाँ पे नीचे पीछे बताया गया था ना कि इसका जेब मुकवस कर रहे हैं, तो जेब होता है साइन और उसका मुकवस करना, तो ये हमने उसका साइन इनवर्स ले लिया, इसको साइन इनवर्स लिया। और अब हमने लिया शिफ्ट का बटन दबाया और साइन का बटन दबाया, साइन इनवर्स 0 दर्जा 9 दकीके और 0.74 सानिये, इस ब्रैकेट को क्लोज किया तो साइन इनवर्स लेने से तादील निहार यानी उस दिन की तादील हमारे पास आ गई, वो 8 दर्जे 38 दकीके 19.82 सानिया हासिल हुई, जिसको 4 दकीके से ज़रब दिया या 15 पर तकसीम किया। असल में होता क्या है, अब तो आप माशाल्लाह सेकंड लेवल में हैं कि 4 से ज़रब देंगे तो जवाब मिनट सेकंड में आएगा, 15 से तकसीम करेंगे तो जवाब घंटा मिनट सेकंड में आएगा। तो अब इसको फ़र्ज़ करें कि हम 4 से ज़रब ही दे लेते हैं, ज़रब 4, ये जवाब मिनटों सेकंडों में आ गया डायरेक्ट, लेकिन बात फिर भी वही, अभी भी इसके अंदर वो सेकंड पॉइंट में आ रहे थे तो इसने आगे उसको इशारिया में उसको भी आगे मजीद इसने यानी यूं समझे सानिया के बाद सालिसा राबिया बना दिए। तो इसका बेहतर हल यही है कि हम इसको तकसीम 15 कर दें। अब हमारे सामने 34 मिनट 33 शरिया 3.2 सेकंड हासिल हुआ, ठीक है। अब चूंकि अर्ज़ो मेल मुखालिफ हैं, चूंकि अर्ज़े बलद बरेली शरीफ का शिमाली है, मैले शम्स जनूबी हैं, लिहाजा इसे 6 घंटे में से तफरीक करने पर, पहले तो 6 घंटे पर जमा करने पर, यहाँ पर 6 घंटे पर तफरीक करने पर वक्ते गुरूब नुजूमी जेबी, ठीक है, वक्ते गुरूब नुजूमी जेबी, अब अब हमने इसका 0
घंटा 34 मिनट और 33.32 सेकंड, इसको हमने माइनस किया 6 में से। अब 6 हमें शुरू में लगाना चाहिए था, इसका शिफ्ट और डेल, इसका 6 और माइनस, यह आया जवाब हमारे पास 5:25:26.68। और अगर 12 घंटे तक इसका तमाम लेंगे, मतलब ये कि 12 में से साइंस आंसर को माइनस करेंगे, 12 माइनस आंसर, तो ये आ जाएगा फिर 6:34:33.32। ठीक है, बत्ते तुलू नजूमी जेबी हासिल वाचा, एक तो ये नजूमी है, दूसरा जेबी है। जेबी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर ना तो तादील याम मिलाई गई है और ना ही उसके अंदर तादील मरवज मिलाई गई है। अब इसके अंदर, अब हम बल्कि इसके अंदर तादील याम तो मिला दी गई, ये बल्कि 8 ऊपर आई थी, 33:34:33.32, लेकिन इसके अंदर तादील मरवज नहीं मिलाई गई। अब एक तो इसके अंदर तादील मरवज मिलाएं और दूसरा इसके अंदर मजीद ये काम करें कि आप तादील मरवज मिलाने के साथ साथ आप इसका इसके अंदर इसको शरी भी बनाएं कि इसके अंदर तुलू के अंदर मजीद 4 मिनट माइनस कर दें और गुरूब के अंदर मजीद 4.5 मिनट प्लस कर दें। ये बरेली शरीफ के अर्ज़े बलद के लिए है और तकरीबन हमारे बर्रे सगीर का इसके करीब करीब ही है कि एक दर्जा तकरीबन 4.5 मिनट में तय होता है इस तरह से तुलू गुरूब के बाद। तो अब ये होगा कि इसके अंदर आप तुलू के अंदर 4.5 मिनट माइनस कर देंगे, तुलू के और गुरूब के अंदर 4.5 मिनट प्लस कर देंगे, तो ये शरई तुलू गुरूब निकल आएगा। मजीद इसके अंदर एहतियात डाल देंगे तो ये आपका नक्शा जो है ये कारामत करार पाएगा, आप किसी भी को भी बता सकते हैं। फर्ज करें अब हम इसी मिसाल के ऊपर, ये तो मिसाल खैर 5 नवंबर की दी गई ना, हम आज की मिसाल लेते हैं, आज की मिसाल लेकर और आज का मैले शम्स लेकर, लेकिन तरीकाकार हम वो अपनाते हैं जो कि ये नजूमी तुलू ग्रुप का है। उसके बाद फिर हम शरी भी दोबारा निकालेंगे और शरी भी देखेंगे कि आया कि शरी तुलू ग्रुप के अंदर कितना फर्क आ रहा है नजूमी तुलू ग्रुप से। तो चूंकि अभी एक मकाम है यानी खानपुर, यहाँ का हम निकालते हैं और इस मकाम का अर्ज़ बलद है 28 दर्जे 48 हकीके और तुले बलद है 70 दर्जे 40 हकीके। अब चूंकि तुले बलद से फिलहाल बहस नहीं हो रही, फिलहाल बहस हो रही है सिर्फ अर्ज़ बलद से, तो अर्ज़ बलद का भी आपने टैन लेना है और मैले शम्स का भी आपने टैन लेना है। तो मैं इसके लिए अभी आपके सामने एक खाली पेज खोल लेता हूँ, उसके ऊपर हम साथ साथ ये चीज़ें लिखते जाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। ये मैंने कैलकुलेटर भी निकाली। अब सबसे पहले हम टैन लेते हैं अर्ज़ बलद का। टैन अर्ज़ बलद वो है 28 दर्जे 39 दकीके। ये इसका टैन आया 0.32:46.86 सानिये। तो हमने यही लिख दिया यहाँ पर 0 दर्जा और ये 32 दकीके और 46.86 सानिये। और इधर मैंने इसको लिख दिया ए, ए से मुराद वही, ये अर्ज़ बलद है। अब हमने सॉरी मैले शम्स का भी हमने ये टैन ही लेना है, टेंजेंट लेना, हमने उसका जिल लेना है और मैले शम्स हम वही लॉन्ग टर्म से ही देख लेते हैं। तो हम आज की तारीख जो है 14 मार्च 2023 और हम
सीधा सीधा सिर्फ 12 बजे की लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा तहकीक में हम नहीं जाते। पाकिस्तान के दिन 12 बजे का मैलेशम लिया, 2 दर्जे 36 दकीके 35 सानिया। अच्छा, हमारे बुजुर्ग चूंकि माइनस प्लस इस्तेमाल नहीं करते थे, लिहाजा हम भी यहाँ पर माइनस प्लस इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट टैन ही लेंगे। हमने लिखा टैन और 2 दर्जे और 36 दकीके और 35 सानिये। तो ये हमारे सामने एक जवाब आ गया और हमने इसको यहाँ पर लिख दिया और ये जवाब है 0 दर्जा 2 दकीके 44.09 सानिये, 0 दर्जा 2 दकीके और 44.09 सानिये, 44.09 सानिया। ये हमने यहाँ पर पहला काम कर लिया, ठीक है। अब इनकी हासिले जरब, अब इनकी हासिले जरब लेनी है, इनकी हासिले जरब क्या आएगी? तो हमने यहां पर लिख लेता हूं हासिले जरब, हासिले जरब के अंदर इन दोनों का आपस में जरब कर देना है। 0 दर्जा 32 दकीके 46.86 सानिये, 0 दर्जा 2 दकीके 44.09 सानिया। तो यह 0 दर्जा 1 दकीके 29.65 सानिये, 0 दर्जा 1 दकीका 29.65 सानिये। अब आगे जो था इसका अमल, इसका साइन इनवर्स लेने से हमें तादील हासिल होगी, तादील निहार। तो हमने इसका अब साइन इनवर्स लिया, और साइन इनवर्स हमने डायरेक्ट इसका ले लिया, ये साइन इनवर्स और ये जो आंसर आया था इसका, तो इसका साइन इनवर्स बना 1 दर्जा 25 दकीके 37.13 सानिया। अब मैं यहां पर उर्दू में लिख देता हूं बल्कि इंग्लिश में लिख देता हूं। तादील निहार सम्राट ने सुन ना रहे? नहीं, ये यहां पर यूं समझिए कि तादील अय्याम जिसको कह लें कि वो निकली है कि वो इस तरह से जब मैल होगा तो फिर कितनी बनेगी, तकरीबन। अब साइन इनवर्स हमने लिया और वो ये बना 1 दर्जा 25 दकीके और 37.13 सानिये, 37.13 सानिया। अब तादील निहार यहां पर बनी थी 8 दर्जे 38 दकीके 29.82 सानिया हासिल हुई। अब इसको हम 15 से तकसीम कर देंगे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, तो 15 से तकसीम करना ही ज्यादा बेहतर है, वरना 4 से जरब करेंगे तो फिर ये उस तरह से मसला कर देता है क्योंकि ये मिनटों को फिर घंटों में ले आता है। अब हम इसको 15 से तकसीम करेंगे, तो हमने इसको 15 से तकसीम किया और आंसर तकसीम 15। अब हमें ये चीज हासिल हुई और ये क्या चीज थी, इसको करने पर इतने सेकंड हासिल हुए। अच्छा, ये तादील जो हमें हासिल हुई थी ना असल में निहार की, ये हमें ये चीज बता रही थी कि सूरज चूंकि इस अर्जे बलत पर है, दोनों का जब टैन लिया था उसके बाद इनको जर्ब किया था, तो इतना कर्व खाता हुआ गुजरेगा और कर्व खाने में इसको कितनी देर लगेगी मजीद, यानी वैसे तो कर्व खाने में इसको जितना टाइम लगना चाहिए उससे मजीद ही इतना टाइम इसको ज्यादा लगेगा। यहां से वो चीज बयान हुई। अब कितने दर्जे ज्यादा बन रहे थे यहां पर वो बयान हो गए, हमने उसको 15 से तकसीम कर दिया, तो अब हमारे सामने वो मुतालका दर्जे आ गए और हमने वो लिख दिया कि जनाबे वाला इसको
पांच मिनट बयालीस शरिया चार आठ सेकंड गुजरेंगे मजीद। हमने इसको चलें इसको वैसे लिख देता हूं, जीरो घंटा पांच मिनट और बयालीस शरिया चार आठ सेकंड, बयालीस इशारिया चार आठ सेकंड। अब चूंकि अर्ज़ो मेल मुखालिफ हैं और यहां पर भी अर्ज़ो मेल मुखालिफ हैं, वजह यह कि अर्ज़ो बल शिमाली है और मलेशिया जुनूबी है, अगरचे मामूली है लेकिन है तो जुनूबी, लिहाजा इसे छः घंटे से तफरीक करने पर वक्त गुरूब नजूमी जेबी, अब छः घंटे में से सबसे पहले इसको माइनस करें, हमने छः घंटे में से इसको माइनस किया, छ माइनस और जीरो घंटा पांच मिनट और जीरो घंटा पांच मिनट और बयालीस इशारिया चार आठ सेकंड, ये बना पांच बजकर चौवन मिनट सत्रह इशारिया पांच दो सेकंड। ये निकल आया हमारे पास जवाब गुरूब नजूमी, लिहाजा अब आप इसे गुरूब नजूमी लिखेंगे, इसको बाद में हम शरी भी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम शरी में देखेंगे कि शरी इसमें और दूसरे में कितना फर्क आ रहा है। पांच बजकर चौवन मिनट सत्रह इशारिया पांच दो सेकंड, पांच बजकर चौवन मिनट सत्रह इशारिया पांच दो सेकंड, सत्रह इशारिया पांच दो सेकंड। अच्छा, अब छह घंटे से तफरी करने पर गुरूब नजूमी हासिल हुआ था, अब बारह घंटे तक इसका तमाम लेने पर तुलू नजूमी आएगा। तो अब आपने क्या किया कि यही जो जवाब आया था बारह माइनस आंसर ये कर देंगे, तो अब आपके सामने तुलू आ जाएगा, तुलू ए नजूमी वो कितना छह बजकर पांच मिनट और बयालीस शरिया चार आठ सेकंड। तो आपने यहां पर लिख दिया अब तुलुए नजूमी, तुलुए नजूमी बराबर है छ बजकर पांच मिनट और बयालीस इशारिया चार आठ सेकंड। असल में वही था, ये जो तादील निकली थी फाइनली, तो इसके अंदर छ माइनस करने थे छ प्लस करने थे, अब वही बात छ प्लस करते तो ये तुलुए नजूमी निकल आता, लेकिन अगर ये मुआफिक होते तो फिर इसका उल्ट होता मामला, करने से गुरूब निकलता माइनस करने से तुलू निकलता, लेकिन मुखालिफ थे तो प्लस करने से तुलू निकल आया माइनस करने से गुरूब निकल आया। अब प्यारे तलबा किराम, ये तो हो गया हमारा तुलुए गुरूब नजूमी गुरूब नजूमी, अब जरा इसको तुलुए शरी गुरूब शरी बनाकर देखते हैं। सबसे पहले तुलुए शरी, तुलुए शरई, अब इसके अंदर आप सिर्फ ये काम करेंगे कि ये वक्त लिखकर इसके अंदर से साढ़े चार मिनट माइनस कर देंगे, तो तुलू चूंकि हुआ था छ बजकर पांच मिनट और बयालीस इशारिया चार आठ सेकंड, तो इसमें से आपने माइनस किया जीरो घंटा चार मिनट और तीस सेकंड, ये भी शरी अभी भी नहीं निकला। वजह पता क्या है, वजह यह है कि इसके अंदर अभी हमने तादील मरवज तो मिला ही नहीं, तो सबसे पहले हम तादील मरवज निकालेंगे, वो है पांच माइनस सत्तर दर्जे चालीस दकीके और तकसीम पंद्रह, ये निकली सत्रह मिनट बीस सेकंड, सत्रह मिनट बीस सेकंड आपको प्लस करना पड़ेंगे इसके अंदर। तो अब जो हमारी ऊपर आया था जवाब, तो इसके अंदर हम यहां पर फाइनली एंड में सत्रह मिनट बीस सेकंड प्लस भी कर देते हैं, जीरो घंटा सत्रह मिनट और बीस सेकंड, ये हमने प्लस कर दिए, ये तो हमेशा प्लस ही करनी है क्योंकि तादील मरवज प्लस में, लिहाजा अब हमारे पास फाइनली एक जवाब आया छह बजकर अट्ठारह मिनट बत्तीस इशारिया चार आठ सेकंड, हमने यही लिख दिया यहां पर छ बजकर अट्ठारह मिनट
और 32.48 सेकंड। अब हम गुरुबे नजूमी निकालते हैं, गुरुबे शराई, गुरुबे नजूमी तो हमने निकाल ली थी, गुरुबे शराई, गुरुबे शराई के लिए आपको करना यह है कि जो शराई, ये जो आपका नजूमी गुरुब निकला, इसके अंदर 4.5 मिनट भी प्लस करेंगे, तादिल मरवज भी प्लस करेंगे। तो इसके अंदर हमने लिखा सबसे पहले 5:54.52 जमा 0:04:30 जमा 0 घंटा तादिल मरवज प्लस कर रहे हैं 17:20 तो ये निकला 6:16:07.52। तो हमने लिख दिया 6:16:07.52 7.52। अब इससे देखिए कि उस वक्त के हिसाब से अंदाजा लगाइए कि एक तो ये अभी भी हमने काफी कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कि मजीद हम ज्यादा तफसीलात में जाने से बच गए। अब हम ये करते हैं कि इसी तारीख का वैसे तुलू ग्रुप निकाल कर देखते हैं कि आया के यही तुलू ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने चूंकि इक्वेशन ऑफ टाइम भी पहले निकाल ली थी और मेले शम्स भी निकाल लिया था, तो लिहाजा अब हम डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं। 12:00:09.17.4 अच्छा ये अगर कि उन्होंने 9 मिनट यहाँ पर मिलाए नहीं गए थे तादील, क्योंकि अगर तादील भी मिला ली जाती वो तो सिर्फ वो था कि सूरज ने जितना कर्व खाया, फिर भी हम देख लेते हैं अगर ये इसमें ज्यादा फर्क डाल रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर तादील याम अलग से मिलानी पड़ेगी। जमा 0:17:20 और पहले हम तुलू का वक्त निकालते हैं, माइनस कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस इनवर्स और डबल ब्रैकेट ओपन कॉस बोधे समति 90:50 माइनस साइन अर्जे बलद 28:39 और साइन मेले शम्स और वो है -2:36 और 35 सानिये और तकसीम फिर ब्रैकेट ओपन कॉस अर्जे बलद 28:39 और कॉस मेले शम्स -2:36:35 एक ब्रैकेट कॉस की क्लोज हुई, डबल ब्रैकेट फार्मूले क्लोज हुई, तकसीम 15। ये हमारे सामने जवाब आया और ये जवाब था, हमने पहले शायद तुलू निकाला था, ये देखिए ये तुलू निकाला है, तुलू निकला है 6:28:31.7 और तुलू 6:18 आ रहा है। तो वही चीज है कि इसके अंदर चूंकि के वो जो थे तादील अय्याम वो इसके अंदर नहीं मिलाई गई थी। अब चूंकि पुरानी किताबों के अंदर तादील अय्याम भी पूरे साल की मौजूद होती थी, लिहाजा इसके अंदर तादील अय्याम भी आपको मिलानी पड़ेगी। अब तादील अय्याम जब नहीं मिलाएंगे तो जाहिर है ये उतना फर्क रहेगा। अब वो पूरे हमारे बुजुर्गों ने पूरे साल के टेबल बनाए होते थे, उस टेबल से लेकर आप तादील अय्याम भी मिलाएं, तादील मरवज भी मिलाएं और 4.5 मिनट मजीद मिलाएं, वो मिलाएं इसलिए कि ये नजूमी निकाला इसको शरी बनाने के लिए, तो ये बहुत करीब करीब निकल आएगा। अच्छा अब अगर आप इसको प्लस माइनस प्लस करते हैं, ये देखिए माइनस को मैंने प्लस कर दिया यानी गुरुबे शरी कर दिया, तो 18:24 वही चीज है, देखिए 6:16 है यहां पर 24 है 6:24। तो ये चूंकि तादील याम नहीं मिलाई गई थी लिहाजा ये तादील याम ना मिलाने की वजह से ये फर्क पड़ा है। अगर आप तादील याम यहां से माइनस कर दें और ये मैं माइनस कर देता हूं तादील याम,
ये देखिए अब 6:15 का ग्रुप निकला, यहाँ पर 6:16 है तो बहुत करीब करीब है, यानी ये वो है कि जो हमने 90:50 पर बकायदा डट निकाला है बड़े फार्मूले से, और ये था कि हमने नजूमी से शरी बनाया था। इसी तरह से अगर हम इसको ग्रुप से तुलू निकालना चाहते हैं, यानी इसका ये करें कि इसको प्लस से माइनस कर दें, तुलू निकाल लें, तो 6:19 निकला, यहाँ पर 6:18 निकला था, ये भी 1 मिनट का फर्क आया, लेकिन ये फर्क उस दौर के हिसाब से अगर सोचें तो बिल्कुल मामूली है। तो इस हिसाब से आप नुजूमी तुलू ग्रुप निकाल सकते हैं, या नुजूमी निकलेगा नुजूमी जेबी, ठीक है। देखिए आला हज़रत के अल्फाज वही थे यहाँ पर, इससे तुलुए नुजूमी जेबी निकलेगा, एक तो नुजूमी निकलेगा दूसरा जेबी निकलेगा। असल में जेबी वो होता है जिसके अंदर ना तादिलिया याम शामिल हो ना तादिलिया मुरब्बत शामिल हो। अब अगर इसके अंदर आपने तादिले अयाम शामिल कर दी तो ये बलदी बन जाएगा, तादिले मुरब्बत भी शामिल कर दी तो फिर ये मायारी बन जाएगा।